दिल्ली को एवं बन्या दावरु रक्षा मिलबनी विपद संकेत उपरे बहुची यमुना नदी एमिति समय आज प्रबल वर्षा नहीं दिल्ली को आईएमडी जारी करिछि अलर्ट। पूर्वर बन्या सह संघर्ष करुवा लोक कष्ट बढ़ाइब ए वर्षा। विदेश गस्तर फेरिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली उपराज्यपाल वी के सक्सेना कथा होई दिल्ली बन्या स्थितिर टिकिनिकी खबर बुझछंती। आईएमडी सूचना अनुसार आज दिल्ली में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो। शनिवार केवल 3 घंटार 11 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि। यमुना नदी पानी रे बुड़ी जिबारु यमुना बन्या पानी रे बुड़ी जिबारु दिल्लीर द्वारका अंचल रे 3 जण शिशुंक जीवन जाइछि। आज आईटीए राजघाट सुप्रीमकोर्ट निकट मथुरा रोड सहित व्यापक अंचल जलमग्न होइछि। 2 दिनर मौसुमी शांत रहिबा परे दिल्ली रे शनिवार पुणी बरसिथिला। फल रे बन्या स्थिति पुणी थरे सांघातिक रूप नेछि। मयूर विहार अंचल रे रिलीफ कैंप रे भी पानी पसछि। बन्या स्थिति दिल्लीवासी को बाहर करिबाकू मुंबई रो नौसेना टीम पहुंचछि। सेपटे बन्या स्थितिर मुकाबला पई दिल्ली सरकार 6 जण मंत्री को दायित्व दैछंती। बन्या प्रभावित 6 जिले में पुनरुद्धार और रिलीफ दायित्व में 6 मंत्री तदारख करेंगे दिल्ली सरकार। सेपटे यूपी उत्तराखंड हिमाचल को भी आईएमडी वर्षा अलर्ट कर। उत्तराखंड और हिमाचल विभिन्न स्थान में पहाड़ धसवा नहीं सतर्क सूचना जारी कर। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। इस वक्त हम रिंग रोड पर मौजूद हैं जो लाल किले के पीछे, और ये विजुअल निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। ये दिल्ली का लाल किला है और वहाँ पर आप दृश्य देखें तो ये पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गया है। आगे जो गाड़ी है वो 3 दिनों से पुलिस की गाड़ी आपको नजर आएगी जो डूबी हुई थी। सामने पुल डूबा हुआ था। और खास बात ये है कि जो दिल्ली के पौष इलाके हैं, चाहे वो सिविल लाइन्स हो, निगमबोध घाट हो, लुटियन दिल्ली हो, ITO हो या फिर लाल किला, ये दृश्य निश्चित तौर पर इसलिए चौंकाते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ से वो जो आगे वाली गाड़ी है वो बंदा दिखाऊंगा किस तरीके से उसकी छाती तक पानी पहुंच गया है। ये दिल्ली की उस सच्चाई को दर्शाते हैं। और ऐसे तमाम वाहन वहां पर फंस गए थे जिनको अब लोग धीरे धीरे निकाल कर ला रहे हैं। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात है। हालांकि दिल्ली सरकार, NDRF, पुलिस प्रशासन दिल्ली की स्थिति सामान्य करने में लगे हैं, लेकिन लाल किला, ITO, सुप्रीम कोर्ट, निगमबोध घाट, ये तमाम इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। हालांकि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं होती, क्योंकि बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी भी बारिश हो सकती है। वो देखिए आप गाड़ी, उसके बगल में जो लड़का धक्का मारकर ला रहा है, एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाइए, उसके कमर के ऊपर पानी है। अब आने वाले समय में एक अगर आप ये विजुअल देखें तो आपको गाय मरी हुई पड़ी नजर आएगी। दिल्ली वासियों के लिए चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि दिल्ली में आने वाले समय में जब पानी कम हो जाएगा तो बीमारियां फैलेंगी। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, ऐसे में जहां दिल्ली वासियों को एक तरफ पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तमाम समस्याओं का अंबार लगने वाला है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ शिवम प्रताप, एडवोकेट टीम, दिल्ली। बीते दिनों दिल्ली में हुई लगातार बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के ऊपर बह रहा है और आप मेरे पीछे दिल्ली का सबसे बड़ा निगमबोध घाट देख रहे हैं। ये घाट बीते 4 दिनों से बंद है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई दाह संस्कार जो होता है वो भी बंद कर दिया गया है। ये पूरा इलाका पानी में डूब गया था, जलमग्न है। अगर मैं आपको इस इलाके के राइट साइड के विजुअल्स भी दिखाऊं तो ये पूरी रोड पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। निगमबोध घाट दिल्ली का सबसे बड़ा घाट है। यहाँ पर रोज तमाम जो लोग हैं वो आते थे। निगमबोध घाट में शमशान के डूबो हिस्से हैं जो वहाँ पर जो अंतिम संस्कार संबंधी गतिविधियां हैं उनको बंद कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि प्रबंधन समिति ने बीते दिनों की थी। 206 के आसपास जो जलस्तर है, 206 मीटर के आसपास है, जिसकी वजह से लोगों को चुनौतियां आ रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार और वो तमाम विभाग हैं, उनका दावा है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो कम हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां बढ़ी रहेंगी। आप ऐसे समझिए कि निगमबोध घाट पर अगर ये पानी कम जाता है तो आने वाले समय में गंदगी के गुबार से बीमारियां बढ़ सकती हैं और यहां पर एक पूरा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। श्रीमंदिर चारिद्वार